हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरती। और फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये आपको जॉब से रिलेटेड है, और इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी जॉब इस वक्त आई है जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है। ख़ास तौर पे ये जो जॉब है टीचर की है, टीचिंग के लिए है। तो हम इस वक्त हैं आपके दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की साइट पे, जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। यानी पीजीटी के लिए प्राइमरी लेवल के जो टीचर होते हैं उनके लिए ये वैकेंसी, ये जॉब है, और बहुत अच्छा एक मौका है आपके लिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है, क्या है एज, क्या है एलिजिबिलिटी, और क्या है और बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, ये है वो नोटिफिकेशन, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ ENCT ऑफ दिल्ली और दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से के में ये वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी नोटिस है और एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 0118 है। तो यानी जो आपको अप्लाई आप करेंगे तो सिर्फ ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा यदि ऑफलाइन किसी और मेथड से आप यदि अप्लाई करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं जो वैकेंसी निकली है वो टीचर यानी प्राइमरी टीचर के लिए है। आप यहाँ पे देख रहे हैं और MCD के अंतर्गत है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड अफ्रेश फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचर यानी प्राइमरी लेवल के लिए है, अंडर MCD, MCD के अंडर है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कितनी इसमें पोस्ट हैं और डिग्री के लिए कितनी पोस्ट हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की जो है वो 2/7 से स्टार्ट हो जाएगा। 2/7 यानी 2 जुलाई से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 2 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं। और क्लोजिंग अगर डेट की बात करें तो 30/7 है, यानी 30 जुलाई तक आपको मौका रहेगा फॉर्म को भरने का, यानी लास्ट डेट जो है वो 30 जुलाई होगी। तो चलिए नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। टीचर के लिए है, प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए है। और अगर किसके अंडर में है तो MCD के अंडर में है। और क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट की अगर बात करें तो ग्रुप बी में आएगा। और अगर ग्रेड पे की बात करें तो 4200 है। अब देख लेते हैं कैटेगरीज वाइज की, अनरिजर्व की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अनरिजर्व को 1610 पद हैं अनरिजर्व के लिए। OBC के लिए 1286 पद हैं, SC के लिए 714, ST के लिए 756। टोटल जो है 4366 पोस्ट हैं, जिनमें जो आपके हैंडीकैप फिजिकली लोग जो होते हैं उन लोगों के लिए 474 पोस्ट हैं। तो हम कह सकते हैं एक तरह से थोक के भाव की जो आपका DDS है, दिल्ली सबॉर्डिनेट के अंतर्गत MCD के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है बहुत तादाद में है, और टीचर के लिए है, खासतौर पे प्राइमरी लेवल टीचर के लिए है। बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, एक मौका है। तो चलिए आइए अब देख लेते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या इसमें मांगा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक रहेगा, और मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। चलिए कि यहाँ पे नोटिस देख लेते हैं। जो नोटिस यहाँ पे है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट कोड 1617 और 25 यानी कि 25/8/2017 से 15/9/2017 के बीच में जो ये पोस्ट की ये वैकेंसीज आई थी, और उस टाइम में जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो वो दोबारा ना करें, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले ले लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट है सीनियर सेकेंडरी 10+2 और इंटरमीडिएट और इट्स इक्वलेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज बोर्ड से, यदि आपने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th किया है या उसके समकक्ष हैं। और 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स जूनियर बेसिक ट्रेनिंग और इक्वलेंट ऑफ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यदि किसी मान्यता प्राप्त से आपके पास 2 साल का जो है तो डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना कंपलसरी है, या फिर एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स यदि आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स यदि आपके पास है डिप्लोमा इसके पास सर्टिफिकेट है तब भी आप एलिजिबल हैं।
यानी यहाँ पे है मस्ट है पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पे एक हिंदी सब्जेक्ट के रूप में उन्होंने पास किया हो या फिर इंग्लिश किया हो, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड सी टेट, इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है कि जो जिन लोगों ने सी टेट कम्प्लीट कर लिया है, पास कर लिया है, क्वालिफाई है, वो एलिजिबल हैं, यानी वही कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सी टेट का सर्टिफिकेट है, जिन्होंने सी टेट क्रॉस कर लिया है। एंड देन यहाँ पे ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस की अगर बात करो तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सभी में निल है, यानी जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है और साथ में विद सी टेट आपके पास होना ज़रूरी है। चलिए अगर हम पे स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पे स्केल आपका जो बन रहा है वो बन रहा है 35,400 एज पर डे, मैट्रिक्स रिवाइज जो आपका चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बन रहा है। पोस्ट जो आपकी है ग्रुप बी के लिए होगी। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है आपकी वही है 30 ईयर एज है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, और जो टाइम टाइम पे चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा मौका आपके पास है, एक अपॉर्चुनिटीज़ है कि यदि आपने सी टेट किया है और जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपका सी टेट निकल गया है, आपने पास कर लिया है, तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको भरिएगा। 4,366 वैकेंसी यहाँ पे पद आए हुए हैं टीचर के लिए प्राइमरी लेवल पे, जो कि MCD के अधीन है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।